माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बोर्ड एग्जाम 2021 एंड जिनकी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हुई है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लास्ट टू मंथ्स में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप 97 प्लस मार्क्स स्कोर कर सको। बहुत ज्यादा बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर तैयारी अच्छी नहीं हुई है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, डर लग रहा है, बहुत सारी बातें हैं। तो सारी बातों पे हम लोग पॉइंट रखेंगे एंड बिल्कुल मैं आपकी तैयारी करवाने वाला हूं। मैं सिर्फ आपको बोलूंगा नहीं कि ऐसे कर लेना ऐसे कर लेना, मैं आपकी तैयारी साथ मिलकर करवाऊंगा, ठीक है। तो बेटा जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले किसी महापुरुष ने कहा है कि आपके क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम आपकी जिंदगी के सबसे आसान एग्जाम होने वाले हैं एंड उन महापुरुष ने 100% सच कहा है। आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं ना बेटा, वो बहुत आसान होते हैं, बहुत ज्यादा आसान होते हैं एज कंपेयर टू योर क्लास 11th 9th, इन क्लास से बहुत आसान होते हैं। रीजन क्या होता है, देखिए पहले तो बात बोर्ड लेवल के पेपर बनते ही आसान है, फिर उनकी चेकिंग भी आसान होती है, कोई मास लेवल पे बच्चे पेपर देते हैं, ठीक है। मैटर नहीं करता पूरे साल कैसा पढ़ के आए हो या आपके प्री बोर्ड कैसे गए हैं, बहुत से बच्चों को प्री बोर्ड अच्छे गए होंगे, बुरे भी गए होंगे, आपको उससे ज्यादा मतलब रखना नहीं है, ठीक है। कुछ प्री बोर्ड स्कूल टीचर टेस्ट चेक करते हैं और स्कूल लेवल पे जब पेपर चेक होते हैं तो इस तरह से होते हैं कि बच्चे की कोई छोटी सी भी गलती है तो बच्चे को पता चले, ठीक है। बट बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, कोशिश यही की जाती है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा नंबर दिए जाएं। तो बोर्ड का एग्जाम बहुत आसान होता है, पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए, देखिए जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं बिल्कुल फर्स्ट डे से बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, जिनको उम्मीद है हमारा पूरा सिलेबस हो चुका है, हमें ज्यादा बेटा आप अपनी तैयारी जैसे कर रहे हो करते रहो। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ा है या ज्यादा नहीं पढ़ा है या पढ़ा भी नहीं है, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है कि अभी आप लोगों को किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पॉइंट, नो एंजल इज कमिंग टू वर्क ऑन आवर ड्रीम्स, इफ यू वॉन्ट देन हु विल। इस वीडियो की तरफ मैं बढ़ू, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कोई भी परी या कोई भी फरिश्ता ऊपर से नहीं आने वाला है जो आपके ड्रीम्स पे काम करेगा। जो आपका एम है, आप 95 प्लस लाना चाहते हो, आप 97 प्लस लाना चाहते हो, आप 100 भी लेके आना चाहते हो, कोई नहीं आएगा, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात आप जान लीजिए। और दूसरी बात है, यू आर द ऑथर ऑफ योर लाइफ। देखिए यार सिंपल सी बात है, अपनी लाइफ आपने खुद बनानी है, तो ये बात समझ जाइए, बाद में रेग्रेट हो इससे अच्छा है आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आपको ही अपनी लाइफ बनानी है और आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा एक और बात कि टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, वो ज्वाइन कर लो सो दैट कि आपको वीडियोस के लिंक एंड नोट्स प्रॉपरली मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं कि सर हम किस तरह से पढ़ें। देखो यार सच्चाई तो यही है कि केमिस्ट्री हमारी फिजिक्स और मैथ्स से बहुत ज्यादा आसान है और इस साल और ज्यादा आसान हो गया, कोई सिलेबस रिड्यूस हो गया है। अब हमारे पास टोटल चैप्टर कितने बचे हैं, 14 चैप्टर बचे हैं, एक्चुअल में 14 भी नहीं बचे हैं, एक्चुअल में हमारे पास सिर्फ 13 चैप्टर बचे हैं, ठीक है। उनमें से कुछ चैप्टर है जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, उनको देख लेते हैं। मैं आपको बात करूं तो हमारा है फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, हैलोकेन हैलोरिन, एल्कोहल फिनोल ईथर, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल। इस तरह से हमारे 13 चैप्टर है एंड टोटल मार्क्स कितने बनते हैं, 70 बनते हैं। बट सीन क्या रहता है कि आप हमारी तीन तरह की केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप तीनों तरह की केमिस्ट्री के लिए सेम स्ट्रेटजी के साथ नहीं जा सकते, आपको हर पार्ट के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ती है। जैसे सबसे ज्यादा हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है स्कोरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले आपके बेसिक अच्छे होने चाहिए, ठीक है। इवन तो सबसे पहले आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब भी करोगे बेसिक से करोगे। दूसरी बात, जो आपके फर्स्ट 5 चैप्टर हैं फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर, ये न्यूमेरिकल्स के हैं, न्यूमेरिकल्स मतलब मैथमेटिकल पोर्शन आ जाता है, जहां पे मैथमेटिकल पोर्शन आ जाता है आपको रिटन प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, आपको न्यूमेरिकल्स लिख लिख के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तभी उनकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छे से हो जाएगी। अब और रही बात हमारी ये पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, ये सारी वैसे तो सस्ते चैप्टर हैं, इनमें आपको रट्टा मारना पड़ता है, आपको रिएक्शन दी होती है वो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं। आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम दे रट्टा करना पड़ेगा और ये सच्चाई है, ठीक है। आप बार बार उनको पढ़ोगे तब जाके वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो इस तरह से आप लोग फॉलो करोगे, पहली बात ऑर्गेनिक में पहले आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए, नोमन क्लेचर, आइसोमेरिज्म, मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, फिर आपको जाना चाहिए। इवन मैंने बना रखी है जड़ी बूटी ऑफ भारत बाबा, ये पूरे का पूरा शेड्यूल मैंने आपके बनाया हुआ है
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 7 डेज के अंदर खत्म करनी है, और बेटा 7 डेज के अंदर खत्म क्या करनी है, मैंने करवाई हुई है, ठीक है। आपको लिंक, इन सभी कोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको हमेशा प्रॉमिस किया है कि इस चैनल पे आपको हमेशा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो क्लासेज हो, कुछ भी हो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो ये सभी क्लासेज भी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सभी क्लासेज भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, ठीक है। ये मेरा शेड्यूल है, अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हो तो वहां से भी कर सकते हो, बट जिन बच्चों के पास सोर्सेज नहीं है, फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या जो भी जिनको हाँ भी भारत सर से पढ़ना पसंद है, उन सबको ये क्लासेस लगा सकते हो आप लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा मैंने 7 से 13 दिसंबर के बीच में करा दी है, लाइव लेक्चर हुए थे, अब रिकॉर्डेड भी पढ़े हुए हैं। अभी इन फ्यूचर का प्लान मैं बता देता हूँ, अगला कोर्स आने वाला है फिजिकल केमिस्ट्री इन 7 डेज। मैं इस तरह से चल रहा हूँ कि बच्चा पहले सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करे, फिर उसके बाद 23 मार्क्स, उसके बाद 19 मार्क्स। तो हमारा जो फिजिकल केमिस्ट्री का कोर्स आएगा वो 21 से 27 दिसंबर तक आएगा, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 5 डेज वो 4 से 8 जनवरी के बीच आएगा। हर कोर्स के बाद मैंने आपको थोड़ा सा टाइम दिया है, लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 7 डेज की है, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री का जो कोर्स है उसमें मैंने आपको टाइम दिया, वो इसलिए दिया है बिकॉज मैं तो आपको इनके वन शॉट करा दूंगा, प्रीवियस ईयर करा दूंगा। अब आपको खुद से भी तो इस बचे हुए टाइम में थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उस नॉलेज को अंदर सेट करना है कि नहीं। मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, बट उसको बिठाने के लिए आपको भी तो टाइम चाहिए रिविजन का, ठीक है। तो बेटा ये आप भी इस तरह से प्लान करोगे, इस तरह से आप इनको निपटाने वाले हो। और इन कोर्सेज की एक्सेस के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एक्सेस के लिए आपको एक कोड यूज करना है, B5010, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। जो ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर हो चुके आप देखिए, मजा आएगा पढ़ने में। आगे बढ़ते हैं, अब बहुत सारी बात है कि हम बहुत ज्यादा बुक्स ले लेते हैं, बट सच्चाई है कि हम पढ़ कोई सी भी नहीं पाते, ठीक है। और बोर्ड्स के लिए हमें इतने ज्यादा सोर्सेज पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। मेरे लगभग हर वीडियो में मैं एक ही बात पे पॉइंट आउट करता हूं कि मिनिमाइज योर रिसोर्सेज, मैक्सिमाइज योर रिवीजन। रिसोर्सेज को कम करो, रिवीजन को ज्यादा करो, जितनी ज्यादा हो सकती है रिवीजन आपने उतनी करनी है। तो सबसे पहले आप सोर्सेज क्या रखोगे, देखो अगर आपने खुद के नोट्स बना रखे हैं दी बेस्ट है, आपके स्कूल के नोट्स हैं दी बेस्ट है, आपको कोई ऑफलाइन टीचर है उनके नोट्स हैं दी बेस्ट है। अदरवाइज मैंने आपको सभी चैप्टर के प्रॉपर नोट्स तो बनाए रखे हैं, अब बेटा जी मैं आपको चीट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चीट नोट्स मैंने दिए हुए, आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चीट नोट्स बाय भारत पंचाल। इसी तरह से मैं आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक के नोट्स भी देने वाला हूं चीट नोट्स। वो चीट नोट्स में क्या है कि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, फिजिकल केमिस्ट्री को कोशिश की गई है 10 पेजेस के अंदर खत्म करने की, ठीक है। दोनों साइड से मिलाए तो 10 पेजेस के अंदर खत्म हो जाते हैं, उससे आपको पूरे चैप्टर का ओवरऑल आइडिया हो जाता है कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। फिर आपको वन शॉट तो मिलेगा ही, ठीक है, इन शेड्यूल के अंदर मैं आपको समझाने भी वाला हूं। उसके बाद बेटा जी आप क्या करोगे, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाओगे जो आपके सिलेबस के अंदर है, एंड उसके बाद आप सैंपल पेपर, इस साल सैंपल पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, पिछले कुछ सालों में तो हम लोग प्रीवियस ईयर की तरफ चलते थे, बट इस साल मैं आपको बोलूंगा सैंपल पेपर की इंपॉर्टेंस एक प्रो लेवल पे चली गई है। रीजन क्या है सैंपल पेपर के इतने इंपॉर्टेंस होने का, देखिए बेटा क्योंकि पेपर का शेड्यूल बिल्कुल एंटायरली चेंज हो गया है, तो आपको सैंपल पेपर से देखना पड़ेगा कि एमसीक्यूज किस तरह से आएंगे, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, रीजन असर्शन आने वाला है, तो उनकी प्रैक्टिस आप सैंपल पेपर से ही कर सकते हो। तो मैं आपको बोलूंगा चीट नोट्स लीजिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगाइए और सैंपल पेपर, कोई नहीं रोक सकता आपको फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने से। उसके बाद बहुत ज्यादा क्या होता है कि हम लोग टाइम वेस्ट करते रहते हैं, देखिए यार एक डेट शीट की बात है और डेट शीट की वीडियो बहुत चलती है, ठीक है, बट मैं आपको डेट शीट के बारे में बताऊं, कोई भी आपके लिए परफेक्ट डेट शीट नहीं बना सकता कोई भी, क्योंकि हम आपके एक एक मिनट डिसाइड नहीं कर सकते, इवन आप खुद भी नहीं डिसाइड कर सकते। इवन अगर आपने रात को कोशिश की, टाइम सेट किया कि रात को मैं 10 बजे सो जाऊंगा, जुड़ नहीं आपको रात को 10 बजे नींद आ जाएगी, फैमिली में कुछ ऐसा सीन हो गया है, खुशी का मौका आ गया, दुख का मौका आ गया, शायद आप लोग रात को 12 बजे सो, ठीक है। तो मैं आपको डोंट वरी, अगर आप फॉलो कर सकते हो कीजिए, बट आप अपनी लाइफ को ज्यादा अच्छे से जानते हो, आपने करना क्या है, प्लान योर डे अ डे बिफोर, अपने अगले वाले दिन को एक दिन पहले डिसाइड कर लो। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा टाइम डिसाइड कर लो, आप ये डिसाइड कर लो कि किस सब्जेक्ट को मैं कितना टाइम देने वाला हूं, किस सब्जेक्ट में मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूं, मैं किस किस सर की क्लास लगाने वाला हूं, ठीक है। लाइक फिजिक्स आप कहां से पढ़ते हो, हाँ मेरी फिजिक्स की क्लास स्टेमिंग सर की होती है, तो मेरा ये टाइम तो यहां है, ठीक है, मैं रिवीजन के लिए ये टाइम दे रहा हूं, हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इवन मैंने आपकी हेल्प के लिए ना आप सभी को चेकलिस्ट दी हुई है, ठीक है, चेकलिस्ट दी हुई है। चेकलिस्ट से क्या हो जाता है कि कई बच्चों के अंदर ना कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो रहा है कि सर हमें पता नहीं चल रहा हमने क्या पढ़ लिया क्या नहीं, बहुत डाउन फील कर रहे हैं, तो वो जो चेकलिस्ट है
उन चेकलिस्ट से आप लोग ये मार्क कर सकते हो, हाँ मैंने इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, इसके एनसीईआरटी लगा ली, इसका वन शॉट देख लिया, इस तरह से आप अपनी तैयारियों को जज कर सकते हो। तो बेटा बेस्ट रहेगा, मैं आपका एक एक मिनट डिसाइड करने को नहीं बोल रहा हूं, बट एटलीस्ट आप ये डिसाइड कर ले कि मैं कल ये सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूं। और प्लीज एक दिन में एक सब्जेक्ट की तरफ मत जाइए, एक सब्जेक्ट में एक दिन में आप कम से कम तीन सब्जेक्ट करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बच्चे के मान लो फिजिक्स में 100 आ गए या केमिस्ट्री में 100 आ गए और फिजिक्स में फेल है, वो मैटर नहीं करता। आपको जो भी स्कोरिंग, जो भी थोड़े से मुश्किल सब्जेक्ट है, उनको आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। मैं सस्ते सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, उनको तो थोड़ा बहुत टाइम दो, बट क्या है पीसीएम को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। इवन जो आपको डिफिकल्ट लगता है उसको आपको थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और देखिए यार, हमारी इंडियन कल्चर में जब भी कोई महान बना है वो तभी बना है जब वो वनवास पे गया है ना। रामायण में श्री राम जी गए थे, है ना, महाभारत में पांडव गए थे। अब आप लोगों को भी 2 महीने का वनवास ले लेना है। वनवास लेने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घरों से निकल जाओ पहाड़ों में। कहने का मतलब है ये सुख सुविधाएं त्याग दो। सुख सुविधाओं से मेरा मतलब है सबसे पहले तो बाबू सोना को त्यागो। कैरियर मैटर करता है बेटा, कैरियर अच्छा होगा सब कुछ है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। ये बात जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। फिल्में एक अलग चीज है बट रियलिटी बिल्कुल अपोजिट होती है। मोबाइल देखो यार, मोबाइल का ये रहता है कि आप इंस्टा चला रहे हो, आप ट्विटर चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, हम कितना टाइम वेस्ट कर जाते हैं हमें पता भी नहीं लगता। ठीक है, रिलेटिव्स एंड नेगेटिव फ्रेंड, सबसे जरूरी मैं बोलूंगा नेगेटिव फ्रेंड्स। एक कहावत आपने सुनी होगी कि हम जो मिक्सचर होते हैं ना अपने, वो तीन हमने अपने 5 दोस्तों का होते हैं, कि हमारे 3 दोस्त कैसे हैं, हमारे अंदर उनकी क्वालिटीज आ जाती हैं। अच्छी बात है अगर आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं, और अगर नहीं है तो उनको छोड़ दो, अपनी बुक्स को अपना फ्रेंड बनाओ, उनका मिक्सचर अगर आपके अंदर आएगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे ना भाई। तो इनसे, इनको अवॉइड कीजिए, रिलेटिव्स वगैरह को भी अवॉइड कीजिए। रिलेटिव एक ऐसी प्रजाति का नाम है जो आपकी सक्सेस देख के खुश नहीं होती है, शायद आपको लगता हो। रिलेटिव बोर्ड के पेपरों में जब आपके अच्छा रिजल्ट आएगा तब कॉल नहीं करेंगे, जब खराब रिजल्ट आएगा तब फोन करेंगे। अच्छा रिजल्ट तो तुम्हें खुद बताना पड़ेगा, हाँ जी आ गया 99। उनको कई दिन बुखार हो जाएगा इस बात से, तो इनको थोड़े दिन साइड कीजिए। अगले 2 महीने 2.5 महीने पूरा फोकस होकर स्टडी करनी है। अगली बात, टू इंप्रूव फोकस टेक ब्रेक। अभी कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं एकदम से, अरे भाई एक दिन में मैं 18-20 घंटे पढ़ जाऊंगा, शायद पढ़ भी जाते हैं वो, बट उसका फायदा नहीं है, अगले दिन वो नहीं पढ़ पाएंगे। छोटे छोटे ब्रेक लीजिए, ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि जब हम छोटे छोटे ब्रेक लेते हैं तब माइंड की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। ठीक है, देखो अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, अगर आपने कठोर तपस्या से अपने आप को ऐसा बना लिया कि आप 2-3-4 घंटे लगातार पढ़ सकते हो, इट्स गुड। बट बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मैं आपको ये बोलूंगा बेटा लंबी पढ़ाई मत कीजिए, एक टाइम में 40-40 मिनट पढ़िए, फिर थोड़ा ब्रेक लीजिए, इस तरह से आप लोग पढ़ने वाले हो। आगे बढ़े, सबसे जरूरी चीज जो है वो है शेड्यूल्ड रिवीजन। आप कितना मर्जी पढ़ लो एक एक बार, वो फायदेमंद नहीं रहेगा, आपको टाइम के बाद रिवीजन करनी है। और मैंने आपके लिए इसीलिए ऐसा शेड्यूल बनाया है, लाइक मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 7 डेज का कोर्स बनाया है, आपने नहीं देखा है तो जाके देखो, ठीक है, इसका फायदा उठाओ। फिर उसके बाद मैंने आपको गैप दिया सो दैट कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सको, आप इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा सको अपनी तरफ से, आप सैंपल पेपर के क्वेश्चन लगा सको, रिवीजन करो बार बार। और बेटा जी आपको कोई भी नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स लेके आने से, एंड मुझे पता है आप लोग अच्छा स्कोर करोगे। स्टिल आपको कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम है और मैं कुछ भी हेल्प कर सकता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ख्याल रखिए अपनी सेहत का, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।